एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोइनीज लाइफस्टाइल। और आपके बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे मैं फाइनली ये वीडियो ले ही आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। और अगर आप मुझे देख रहे हो, प्रिया सिंह सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इन्होंने मुझे की थी हेयर केयर को लेकर, हेयर मास्क को लेकर। तो मैं फाइनली ये मास्क ले आई हूँ और बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं हेयर केयर के लिए तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बट मैं अभी जो पैक आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक पैक है, जो कि बोलते हैं ना प्रकृति का जो वरदान है हमारे लिए, हमारे बालों के लिए, वो ही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें या केमिकल वाली चीज़ें मैं नहीं, ना मैं अपने बालों में लगाती हूँ, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। जो मैं अपने बालों में लगाती हूँ वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं रिसेंटली अभी पहले तो मैं काफ़ी सारे पैक बना के मैं लगाती थी, बट मेरे पास अब इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं वो पैक्स बना के लगाऊँ। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको वो पैक्स मिल जाएंगे, बट होममेड पैक बनाने के लिए मेरे पास अब टाइम नहीं होता है। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये हेयर पैक अपने लिए कस्टमाइज, समझ लीजिए कस्टमाइज़ किया है। और आप भी इस चीज़ को देखिए और प्रिया सिंह का जो भी डाउट होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो पे। तो फाइनली मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो इस टाइम पे पैक लगाने के बाद ये है, क्योंकि मैंने सुबह पैक लगाया था और अब मैं रात को शूट कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए, ये पैक लगाने के बाद ना, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये पैक लगाने के बाद अगर आप सोचेंगे आपके बाल जो हैं बहुत ही स्मूथ हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको सिर्फ पानी से वॉश करना होता है। जो भी पैक आपने लगाया है उसको आपको पानी से वॉश करना है, और मैंने ये देखिए पानी से वॉश किया है। तो मेरे बाल की लेंथ देख लीजिए, कुछ ऐसी लेंथ है, और देखिए शाइन मेरे बालों में काफ़ी अच्छी आ गई है। ये देखिए, क्योंकि मैं मेहंदी वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये देखिए सिर्फ ये पैक लगाया है। और अब मैं रात में, ये वीडियो एंड करने के बाद मैं रात में अच्छे से अपने बाल में लगाऊंगी ऑयल। और आप लोग भी ये जो वीडियो देख रहे हैं जिनको ये पैक यूज़ करना है, वो यूज़ करने के बाद रात में अपने बालों में बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए। उसके बाद आप अगले दिन इसको शैम्पू कंडीशनर से वॉश कीजिए। जिस दिन आप पैक लगा रहे हैं उस दिन आपको सिंपल पानी से ही इसको वॉश करना है, अगले दिन आप इसको शैम्पू कंडीशनर से वॉश कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देख लीजिए मैंने किस तरीके से ये पैक बनाया है, और सच में प्रकृति का वरदान है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बताने वाली हूँ बालों के बारे में, और ये जो चीज़ें हैं ये पांच चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे बालों के लिए अमृत हैं, और प्रकृति का सही में ये अमृत है हमारे बालों के लिए। ये हमारी बालों की ए टू जेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, दो मुँहें हैं, कुछ भी आपके बालों की प्रॉब्लम है, स्कैल्प पे आपके डैंड्रफ है, इचिंग है, कुछ दाने आपके स्कैल्प में आ गए हैं, तो ये जितने भी पाउडर हैं वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं, और बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको बता रही हूँ। और हम में से कितनों ने ये अभी तक यूज़ भी नहीं किए होंगे, बट अगर आप इसको यूज़ करते हो ना, ट्रस्ट मी गाइस, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। केमिकल प्रोडक्ट पे आप तब जाइए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मत जाइए, बट तब जाइए जब नेचुरल आपके लिए काम ना कर रहे हों। बट एक बार नेचुरल ट्राई करके तो देखिए, ये स्टैमियो ब्रांड के नेचुरल पाउडर हैं, जो कि रीठा, आंवला, शिकाकाय, भृंगराज और हिबस्क, ये पाउडर हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। तो इसकी पैकेजिंग की बात करूँ ना, तो मुझे ये बहुत पसंद आया कि ये डब्बे में पैक करके दिया गया। अगर ये पाउच में होता तो रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, और आप चाहें तो ये सबको एक साथ मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने इनको अलग अलग ही रखा है क्योंकि इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत कन्वीनियंट है, और 99 रुपीज़ में ये आपको एक बॉक्स मिल जाता है। तो अगर आप पांचों नहीं भी ले सकते हैं तो रीठा, आंवला, शिकाकाय, ये तीन पाउडर तो ज़रूर ले लीजिए। और अगर आप मेहंदी यूज़ करते हैं तो इसको मेहंदी में मिक्स करके लगाइए, बट अगर आप मेहंदी नहीं यूज़ करते हैं तो मेरे जैसे पानी में यूज़ करके लगाइए।
पानी यूज़ करके आप अपने बालों पे इसको लगा सकते हो। और सच में जिस दिन बाल वॉश करना है उस दिन आपको सिर्फ पानी से करना है तो भी आपको अपने बाल फर्स्ट यूज़ से ही काफ़ी अच्छे लगने लगेंगे। आपको अपने बाल थोड़े घने हैवी टाइप के लगने लगेंगे और उसके बाद जब आप शैम्पू कंडीशनर कर लोगे ना तब तो आपके बाल सच में क्या कहना बहुत ही अच्छे लगेंगे। और बालों में मैं बताऊँ मैं ज़्यादातर कंडीशनर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी इतने स्मूथ हैं। बट ये पैक लगाना मेरे लिए इसलिए था क्योंकि मैं इसलिए अपने बालों में ये पैक लगा रही थी क्योंकि मुझे भी बाल झड़ने का प्रॉब्लम होता है, मेरे को भी स्कैल्प का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए मैं ये पाउडर्स यूज़ करती हूँ। और मैं ऐसे हमेशा तो ये पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपने होममेड भी बना के लगाती हूँ और भी पैक लगाती हूँ होममेड, बट इस टाइम मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और ईजी वे है अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। तो इस वीडियो में ना बहुत मेहनत लगी है, इस टाइम पर बिल्कुल भी टाइम नहीं था मुझे हेयर पैक के लिए, बट मैंने लगा लिया क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो पसंद आएगा ना तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जितना भी प्रोडक्ट है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो प्लीज़ वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो, ले सकते हो, ये 99 से भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।